के संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, तो इतना ही कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष महाजन जी के रूप में जो कैंडिडेट हमने राज्यसभा के लिए यहां पर इनका नॉमिनेशन अभी हुआ है वो समझ करके निर्णय किया है और पार्टी के नेतृत्व ने इस भरोसे के साथ कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे और विजय हासिल करेंगे। और जहां तक रही कांग्रेस के कैंडिडेट के संदर्भ में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि विचित्र परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सरकार ने तय किया कि वाटर सेस हम लगाएं और वाटर सेस लगाने के उस निर्णय के खिलाफ जो कंपनियां कोर्ट में गई हैं उसके वकील राज्यसभा के कैंडिडेट बने और कितना विरोधाभास है। और इसमें पहले तो मुझे लगता कि मुख्यमंत्री को अपनी परिस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि पार्टी हाईकमान ने इस प्रकार का जो निर्णय लेकर के इस मुद्दे को लेकर के वो हमेशा सदन के अंदर सदन के बाहर बोलते रहे हैं व्हाट्सएप के इशू को लेकर। उसमें सबसे पहले उनको आज इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि वो ठीक है या जो उनके राज्यसभा के कैंडिडेट हैं वो ठीक है, ये भी एक विषय है। जहां तक दूसरे राज्य के संदर्भ में मैं समझता हूं कि हिमाचल बहुत छोटा सा राज्य है और इस छोटे से राज्य में हमारे पास राज्यसभा की सीटें ही बहुत कम होती हैं, 3 सीटें हैं, एक एक सीट क्रमशः आती रहती है। और इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश के अनेकों नेता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इच्छुक थे और वो इच्छुक होने के साथ उनका अधिकार भी था और उस अधिकार के तहत हिमाचल के किसी व्यक्ति को किसी नेता को अगर टिकट दिया होता तो मुझे लगता कि वो ज्यादा रहता, ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन उनकी पार्टी का निर्णय, उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन निराशा है। जो टिकट के इच्छुक थे, जो चुनाव लड़ना चाहते थे और जो अधिकार रखते थे, जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया वो उस पार्टी में, और आज वो वंचित हुए इस सारी चीज से, तो इसका भी खामियाजा मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में बहुत कम पड़ेगा। सर नंबर कम है बीजेपी के पास, ये उतारना ये प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है या फिर भाजपा के पास कोई ठोस रणनीति? प्रेशर पॉलिटिक्स का हम करते ही नहीं, विश्वास ही नहीं करते उस बात पर। हम तो सिर्फ एक ही बात करते हैं, हमारा काम करने का तरीका है। काम करने के तरीके में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और बिना सोचे कुछ हम करते हैं। सर बीजेपी के पास नंबर्स कम है तो आपको उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग क्या इस तरह से? इस पर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अंतरात्मा से अपने जो साथी हैं, जो वहां पर बहुत एक पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज के साथ वो अपना मतदान करें। सर भाजपा के मनोबल की क्या वजह है, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं सर आप लोग, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए जो भी हम चुनाव लड़ते हैं हम एक पूरे जोश के साथ पूरे एक पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं और इस चुनाव को भी उसी तरह से लड़ रहे हैं। और चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ा जाता है और जीतने के लिए लड़ रहे हैं। थैंक यू। महाजन जी कुछ विधायकों के साथ साथ मुख्यमंत्री भी आपके घर मेहमाने नजर आ गए, क्या लगता है आपके पक्ष में मतदान करेंगे? आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आईडी नीचे आईडी नीचे। पहले मैं बोलना चाहूंगा कि मेरा सवाल यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुना गया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ तमाम नेतृत्व का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, हमारे जयराम जी, हमारे बिंदल साहब का और तमाम इनके नेतृत्व का जिसने मेरे को इसका काबिल समझा, इनके सब और मैं उम्मीदवार हूँ। जैसे आपने कहा कि उम्मीदवार जो है हमारी लड़ाई जीतने के लिए होती है और ये भी जीतने के लिए लड़ाई, हम कम हो बट ज़्यादा हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सुक्कू सरकार का आज ये हाल है कि सारे पीड़ित हैं उनके भी और आप लोग भी, तो जितने पीड़ित हैं वो अपने अंतरात्मा के मुताबिक वोट करें तो अच्छी बात। सर किन किन फैक्टरों से संपर्क हो गया आपका? बुरा मैसेज हो गया संपर्क तो मेरा सबसे है।
तो इसमें कोई बात ही नहीं है। और सर आपको उतारने की वजह कांग्रेस से आपकी पुरानी करीबियां भी मानी जा रही है क्या? अब ये तो ऐसी बात नहीं है, नायका तो इलेक्शन से पहले आ गया था बीजेपी में, मुझे तो आदर सम्मान मिला है और हमेशा मिला है, हमारी कर हमारी सारे नेतृत्व का प्रदेश की और देश के, तो इसमें कोई ऐसी मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। हमें बड़ी लंबी दौर बाड़ी खेली हुई है। सर जीत कैसे मिलेगी, थोड़ा मैथमेटिक्स समझा दीजिए सर, क्योंकि 25 ही विधायक है भाजपा के, तो मैथमेटिक्स तो आपको 27 को पता लगेगा। ठीक है, थैंक यू। भाजपा की बात तो हो गया है, भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, साल काट चुके हैं चुनावों में, हालांकि गणित अभी तक अगर देखें तो हाउस में भाजपा के पक्ष में नहीं है, कैसे इन सब चीजों को देखें? हमारा मानना है कि लोकतंत्र के अंदर चुनाव हमेशा लड़ना चाहिए और यह हमारा दायित्व है और हम उस दायित्व का निर्वहन करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और श्री हर्ष महाजन जी को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया है और नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी सब लोग मिल करके इस चुनाव को लड़ेंगे। अंततोगत्वा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई जीतेगा कोई हारेगा, परंतु लोकतंत्र में चुनाव को खाली नहीं रखा जा सकता, ये निर्धारित है और उसी कड़ी के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।